हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आई एम तैशिन शाहिन, क्लास ऑफ वन। अभी हम आपको सब्जेक्ट SST पढ़ा रही हूँ, चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव का हमने वर्ड मीनिंग करा दिया था। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर वन करा रहे हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। वन में है, कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल इन डैश सीजन। कॉटन क्लॉथ कैसे में क्या पहनते हैं हम लोग, जिससे हमको हमारा बॉडी कूल रहता है, ठंडा रहता है। कॉटन क्लॉथ में कब पहनते हैं, समर सीजन में। कब पहनते हैं, समर सीजन। यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, समर सीजन, ठीक है। उसके बाद टू में है, दे डोंट वियर यूनिफॉर्म। सोल्जर, पुलिसमैन, टीचर, स्टूडेंट, है ना। दे डोंट वियर यूनिफॉर्म, कौन सा इसमें से है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, आप टिक करेंगे। सोल्जर तो पहनते हैं, फौजी, पुलिसमैन भी पहनते हैं, स्टूडेंट भी पहनते हैं, टीचर में आप टिक करेंगे, ठीक है। और इसको आप लोग भरेंगे भी। थ्री में, दिस एनिमल गिव बस फाइबर्स टू मेक क्लॉथ, है ना। पहला शिप, रैबिट, सिल्क वर्म, ऑल ऑफ दिस। दिस एनिमल, इसमें से कौन सा एनिमल से इसमें क्लॉथ बनने के लिए फाइबर यानी रेशा निकलता है, तो शिप में भी निकलता है रेशा, शिप के खाल से भी रेशा बनता है, रेशा से क्लॉथ बनता है, रैबिट के खाल से भी बनता है, सिल्क वर्म से भी रेशा निकलता है, उससे कपड़ा तैयार होता है। तो इसमें तीनों में से निकलता है फाइबर, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे, टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। किस में लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज में लगाएंगे, टिक करेंगे, तीनों से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो ब्लैंक्स है जिसे हम टिक किए हैं, इसको आप भरेंगे। कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल इन समर सीजन, यहाँ पर आप समर भरेंगे, ठीक है। दे डोंट वियर यूनिफॉर्म, इसमें नहीं भरना है। उसके बाद इसमें भी नहीं भरना है। दिस एनिमल गिव अस फाइबर टू मेक क्लॉथ, इस तीनों में से फाइबर मिलता है, ऑल ऑफ दिस, इसमें आप टिक करेंगे। इसको आप लोग एच डब्ल्यू में लिखेंगे, राइट एंड लर्न, इसको आप SW में लिखेंगे और याद करेंगे। लिख करके इसको याद करेंगे। ओके, थैंक यू।